नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर्स एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 7 का विषय हिंदी का प्रकरण 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई पढ़ेंगे। तो बात दोस्तों, आप सभी डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में तो जानते ही होंगे, और तो इस पाठ में हमें उनके बचपन से लेकर उन्होंने जो कार्य किया है उस सभी की माहिती दी गई है। तो हम इस पाठ को पढ़ेंगे। तो पहले पाठ का परिचय देखते हैं। तो हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। अभी हम जो सुख सुविधाएं देख रहे, एसी, फ्रिज, वो सब किसकी देने? सब वैज्ञानिकों की देने। तो प्रस्तुत इकाई में हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचय कराती है, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। ये जो उड्डयन विभाग है, यानी कि विमान, फिर अवकाश विज्ञान, ये सब किसकी देने? सभी की देन है वैज्ञानिक। तो ऐसे ही हमारे एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो आइए अब हम पाठ में देखते हैं। तो एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। क्या बाल दोस्तों, आपको भी आपके शिक्षक ने ऐसे कुछ कहा कि तू बड़ा होकर ये बनेगा वो बनेगा? तो ऐसे ही जब डॉक्टर विक्रम साराभाई छोटे थे, यानी कि बालक थे, तब उनके शिक्षक गुरुजी थे रविंद्रनाथ ठाकुर, उन्होंने भविष्यवाणी की थी उन्हें देखकर। तो वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अम्बालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में इनके पिता श्री अम्बालाल के नाम ढेरों चिट्ठी आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाक घर में डाल दिए। अपना घर में जो मोटा लोग एमना नामे चिट्ठीओ आती हो बराबर, तो आपने पण तमने पण कोई दिवस एवं थतु हशे ने कि मारा नामे क्यारे चिट्ठी आवे? तो आवुज एक कुतूहल विक्रम साराभाई ने थयुं के जिज्ञासा थई के पप्पाना नामे रोज चिट्ठीओ आवे छे, मारा नामे पण चिट्ठीओ आवी जोईए, तो एने शुं करवुं जोईए? तो फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठी आने लगी। पिता ने देखा सॉरी इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिए। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठी आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते और लोगों को अचंभित कर देते। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे, लेकिन साहसिक कार्यों का उन्हें खूब गमता, बहुत प्रिय था। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की थी। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात यानी कि त्यार पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी बाबा का सानिध्य मिला। के इमनो एक गुरु जी तरीके इमने गुरु मले, सीवी रामन और डॉक्टर होमी बाबा इमने एक सहयोग मले। वहां राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। के मृणालिनी स्वामीनाथन हता इमना जोड़े इमना लग्न थया। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमय कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की।
ब्रह्मांड तथा सौर मंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से लेकर पोताना प्रयत्नों थे सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिससे वह आजन्म संबंध रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई, परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने, इसके प्रथम अध्यक्ष बने भारतीय अनुसंधान। वह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विभाग के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे। आ मौसम विज्ञान ना जे उपग्रह छोड़े ना ऊपर थी अपने मौसम में जानकारी मिली सके छे कि आज वरसाद आवशे नहीं आवे, ए बधा आने आधारित बधा जे होय छे ते आपने आगाही करता होय छे। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1967 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया। निःशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1967 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को ने के वैज्ञानिक विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यही हृदय की गति रुकने से ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। इसी महान प्रतिभा को शत शत नमन। तो दोस्तों, आइए अब हम इस पाठ के शब्दार्थ को जानेंगे। तो इरादा यानी विचार, संकल्प, लिफाफा यानी कि कागज की वह चौकर, थैली जिसके भीतर चिट्ठी या कागज या पत्र रखकर भेजा जाता है, ढेरों यानी बहुत ज्यादा अधिक, लेस यानी सुसज्जित, अनुसंधान यानी आविष्कार, खोज, संशोधन, उपाधि यानी प्रतिष्ठा सूचक पद, खिताब। तो आइए दोस्तों, अब हम अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो प्रथम प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों की मौखिक चर्चा कीजिए। प्रथम प्रश्न है कि विक्रम साराभाई ने अपने नाम खुद क्यों चिट्ठियां लिखी होगी। तो हम मौखिक चर्चा अपने शिक्षक के साथ करेंगे। तो शिक्षक विद्यार्थी से कहेगा कि तुम कैसे यह कह सकते हो कि व्यक्ति में बड़ा बनने की इच्छा बचपन से ही होती है। तो विद्यार्थी कहता है, गुरुजी कहते हैं कि बच्चों के लक्षण पालने से ही दिखाई देते हैं,
विक्रम साराभाई को ही लीजिए, उनमें प्रसिद्ध होने की इच्छा बचपन से ही जाग उठी थी। शिक्षक कहते हैं, यह कैसे? विद्यार्थी कहता है, 5-6 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने देखा कि उनके पिता के नाम रोज बहुत सारे पत्र आते हैं। उन्होंने सोचा, कितना अच्छा हो अगर मेरे नाम भी चिट्ठी आए। शिक्षक बोला, परंतु उनके नाम पर पत्र आते कैसे? विद्यार्थी बोला, यही तो बात थी। बालक विक्रम को भी पता था कि उनके नाम पत्र आने वाले नहीं है। तब उन्होंने खुद ही पिताजी के नाम कई लिफाफों पर अपना नाम लिखा और वे लिफाफे डाकघर में डालाए। इस तरह उनके नाम पर भी अनेक चिट्ठियां आने लगी। शिक्षक कहते, सचमुच यह घटना भविष्य में उनके महान व्यक्तित्व व्यक्ति बनने की सूचक थी। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते थे, इस तरह आपको क्या करना पसंद है? तो मुझे छोटी छोटी कविताएं बनाकर उन्हें गाना पसंद है। मुझे अपने आसपास की समस्याओं पर कविताएं बनाना अच्छा लगता है। इन कविताओं को दूसरे को सुनाकर लोक जागृति फैलाना मुझे पसंद है। मेरे इस शौक के पीछे मेरा कैसा भविष्य छिपा है यह मैं नहीं जानता। प्रश्न 2, इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए विक्रम साराभाई के बचपन की घटना अपने शब्दों में लिखिए। तो विक्रम साराभाई की उम्र उस समय 5-6 वर्ष की होगी। उनका परिवार घूमने फिरने शिमला गया था। विक्रम के पिता अंबालाल एक बड़े उद्योगपति थे, इसलिए उनके नाम प्रतिदिन ढेरों पत्र आते थे। बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी रोज बहुत सारे पत्र आए। उसने बहुत से लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और उन्हें पोस्ट ऑफिस से डालाए। अब विक्रम के नाम भी खूब चिट्ठियां आने लगी। इस घटना से इस महान वैज्ञानिक के बुलंद इरादों की झलक बचपन से ही मिल जाते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शिक्षक छात्र से पूछेंगे और छात्र शब्दकोश से अर्थ ढूंढकर उत्तर देने के लिए अपना हाथ खड़ा करेंगे। तो शब्द है गाथा, प्रतीक, विक्रम, तत्पश्चात, कैम्ब्रिज, भौतिक, अंतरिक्ष, प्रयोगशाला, इंटरनेशनल, मृत्यु, ऊर्जा, युवा, उत्कृष्ट, स्मारक, पुरस्कार और हवाई। तो हम उसके अर्थ देखेंगे। गाथा, तो गाथा यानी कथा। प्रतीक यानी चिन्ह। विक्रम यानी वीरता। तत्पश्चात यानी उसके बाद। कैम्ब्रिज तो इंग्लैंड इंग्लैंड का एक महा विश्वविद्यालय। भौतिक यानी सांसारिक। अंतरिक्ष यानी आकाश। प्रयोगशाला यानी कि वह स्थान जहाँ विज्ञान संबंधी प्रयोग किए जाते हैं। इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय। मृत्यु यानी मरण। ऊर्जा यानी शक्ति। युवा यानी युवक। उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ। स्मारक यानी स्मृति चिन्ह। पुरस्कार यानी इनाम। हवाई यानी काल्पनिक हवा से संबंधित। प्रश्न 4 देखेंगे। शब्दार्थ में निर्देशित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इरादा, लिफाफा, ढेरों, लेस, अनुसंधान और उपाधि। तो ये शब्दार्थ में निर्देशित किए गए शब्द है, उनका वाक्य हम बनाएंगे। तो इरादा, तो वाक्य प्रयोग करेंगे कि हमारा इरादा हमेशा बुलंद होना चाहिए। दूसरा शब्द है लिफाफा, तो वाक्य बनाएंगे, लिफाफे के अंदर पत्र रखा जाता है। तीसरा शब्द है ढेरों, वाक्य प्रयोग करेंगे, दीपावली पर ढेरों पटाखे बिकते हैं। चौथा शब्द है लेस, तो हमारी पाठशाला में वैज्ञानिक उपकरणों से लेस एक प्रयोगशाला है। पांचवा शब्द है अनुसंधान, वाक्य प्रयोग करेंगे, वैज्ञानिक अनुसंधान करके उपकरण बनाते हैं। चौथा शब्द है उपाधि, तो मैं भारत रत्न की उपाधि पाना चाहता हूँ। प्रश्न 5 देखेंगे। दूरदर्शन यानी कि टीवी देखना लाभदायी है या हानिकारक, क्यों? कारण सहित तर्क दीजिए। तो आज घर घर में दूरदर्शन आ गया है। अपनी लोकप्रियता के कारण वह हर परिवार के लिए अनिवार्य बन गया है। प्रत्येक वस्तु से कुछ लाभ के साथ कुछ हानियां भी होती है, परंतु दूरदर्शन तो लाभों का खजाना है।
वह हमें देश विदेश में होने वाली घटनाओं की जानकारी देता है। इन घटनाओं के जीवन दृश्य भी दिखाता है। बाढ़, अकाल, भूकंप आदि से होने वाले नुकसान दूरदर्शन पर देखकर हमारी मानवता जाग उठती है। दूरदर्शन तरह तरह से हमारा मनोरंजन करता है। फिल्में, धारावाहिक, नाटक आदि के द्वारा यह हमें आनंद देता है। देशभक्ति, समाज सुधार आदि के कार्यक्रम दिखाकर दूरदर्शन समाज में जागृति पैदा करता है। दूरदर्शन पर क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस के मैच देखकर हमारी खुशी का पार नहीं रहता। टीवी के कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में सबका दिल जीत लिया है, परंतु टीवी देखने से बच्चों की पढ़ाई में बाधा पड़ती है। खेल कूद छोड़कर टीवी से चिपके रहने के कारण उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। जो चश्मा पहले बुढ़ापे में आता था वह अधिक टीवी देखने से बचपन में ही आ जाता है। टीवी के कारण हमारा आपसी मेल जोल कम हो गया है और हमारे हरे भरे रिश्ते सूखने लगे हैं। क्रिकेट मैच जैसे कार्यक्रमों में हमारा कितना समय बर्बाद हो जाता था, इनका कोई हिसाब नहीं। वास्तव में हमें टीवी का उपयोग सीमित करना चाहिए। अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो प्रथम प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए शब्दों को उदाहरण के अनुसार बल्ले पर इस तरह देखो जिससे अर्थपूर्ण वाक्य बने। तो शब्द है कलाबाजी, बालक है, लोक विज्ञान, खोकर, यशस्वी, अनुसंधान, करते, किया, वो, दिया, योगदान, में, गठन, बड़ा, के पर, विकास, अहमदाबाद, भारतीय, की और केंद्र का। तो एक वाक्य बनाया है कि भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। तो ऐसे हम वाक्य बनाएंगे कि विक्रम साइकिल पर कलाबाजियां करते थे। तीसरा वाक्य बनाएंगे, यह बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। तीसरा वाक्य बनाएंगे, उनके प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई है। चौथा वाक्य बनाएंगे, डॉक्टर विक्रम ने भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान दिया है। प्रश्न दो देखेंगे, निम्नलिखित एकवचन शब्दों को बहुवचन बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्द है लड़का, किताब, नदी, नारी और माली। तो वाक्य लड़का तो लड़के, तो वाक्य प्रयोग किया है कि लड़का मैदान में खेल रहा है, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो ऐसे हम शब्द है किताब, तो उसका बहुवचन होगा किताबें। तो वाक्य प्रयोग करेंगे कि मैंने दो किताबें खरीदी। दूसरा वाक्य बनाएंगे, मैंने एक किताब खरीदी। दूसरा शब्द है नदी, तो नदियों, तो नदियां हमें पानी देती है। दूसरा वाक्य बनाएंगे, नदी हमें पानी देती है। तीसरा शब्द है नारी, तो नारियों, तो वाक्य बनाएंगे, नारियां मधुर गीत सुन रही है। दूसरा वाक्य बनाएंगे कि नारी बहुत मीठा गीत गा रही है। चौथा शब्द है माली, तो उसका बहुवचन माली होगा। तो वाक्य प्रयोग करेंगे कि माली पौधों से फूल तोड़ रहे हैं, और दूसरा वाक्य में कि माली पौधों से फूल तोड़ रहा है। प्रश्न तीन देखेंगे, निम्नलिखित परिच्छेद को मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं से बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यह वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। तो वाक्य प्रयोग करेंगे, सॉरी अनुवाद करेंगे, त्यो फक्त उच्च कोटिना वैज्ञानिक न होता, परंतु काममां व्यस्त रहेवा छता कला, शिक्षण तथा समाजने माटे पूरतो समय काढ़ी लेता हता। तेमना ज प्रयत्नोने लीधे अमदावादमां लोक विज्ञान केन्द्र अने नेहरू विकास संस्थाननी स्थापना थई। अहीं तेओ सामान्य माणसनी विज्ञान प्रत्ये
रुचि जागृत करने माटे कार्य करता रहा। तो दोस्तों यह अपना पाठ खत्म होता है। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी जो मेरे चैनल में नए हैं और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए इंजीनियर्स एजुकेशन से आने वाले नए वीडियो। मेरे वीडियो को संपूर्ण देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।